हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत विषय पे बात करने वाले हैं और वो शायद हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। ऐसे सोए क्यों नींद नहीं आती और क्यों ज़्यादा नींद आती है। नींद को लेकर के हर कोई परेशान होता है, या तो आती नहीं है या आती और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें बराबर नींद आती है। दोस्तों, ज़रूरी ये नहीं है जो कि आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 10 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वो लोग 10 घंटे सोते हैं, आप सोच करके देखिए 24 घंटे में अगर एक इंसान 10 घंटा सो गया तो उसने आधा जिंदगी यानी 50% जिंदगी तो अपनी सोते सोते बिता दी, तो उसने किया क्या। दोस्तों, जब भी हम सोते हैं तो हमारी पहचान खत्म हो जाती है। एक बार अगर हमारी पहचान मिट जाती है तो हम क्या होते हैं, अपनी मूल प्रकृति में एक सोल की तरह हम अपने आप में सिमट जाते हैं। हम फिर सभी रिश्तों से परे, पूरी दुनिया से परे हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है दोस्तों, अगर आप इस समझ पाएँ इस स्थिति को। और आप कभी कभी देखेंगे कि कभी कभी जब आप सो जाते हैं गहरी नींद में तो वो ध्यान अवस्था भी, कई लोग इसे सूक्ष्म मृत्यु बोलते हैं और कई लोग इसे ध्यान अवस्था बोलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी गहरी नींद में सोते हैं। दोस्तों, हर रात सोने से पहले अपने आप को एक बार, जब आप लोगों को गुड नाइट कहते हैं अपने आप को भी गुड नाइट कहना शुरू करें। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो खुद को गुड नाइट करें। कुछ ऐसी आदतें अपने पास रखें सोने के पहले जिनको आप करेंगे तो आप देखेंगे ऐसी खूबसूरत सी आपकी नींद आएगी कि फिर क्या कहने, जब आप सुबह उठेंगे तो एक नए इंसान के रूप में आप उठ पाएंगे। रात को नींद के साथ साथ क्या होता है, हमारे पूरे दिन की थकान, हमारे पूरे दिन हमारा ख़त्म हो जाता है और अगले दिन एक नई यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। उस यात्रा के पहले का वो रेस्ट होता है। नींद को सूक्ष्म मृत्यु बोलते हैं और सुबह जो उठते हैं, इन दोनों बिंदुओं का अपने आप में हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं, शरीर को रेस्ट मिलता है और जब हम अगले दिन अपनी कर्म यात्रा शुरू करते हैं तो दोस्तों वो हमारे जीवन में एक नई जोश के साथ होती है। अक्सर क्या माना जाता है, आप समझ लें इसको, कि आप रात को जब सोने जाते हैं तो आप मरने की रिहर्सल करते हैं। आप हंस सकते हैं इस बात को, आपको बेतुकी लग सकती है, पर आप एक बात सोच के देखें दोस्तों, जिस दिन आप, जिस रात, जिस घर में सोए थे, आप सुबह जब उठते हैं उसी शरीर में होते हैं, उसी घर पर होते हैं, उसी बिस्तर पर होते हैं, उसी वातावरण में होते हैं, सब कुछ वैसा का वैसा होता है। ऐसा ख्याल भी नहीं आता कि रात को मर गए थे और फिर सुबह पैदा हो गए थे। पर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जी हाँ, हर रात आप मर जाते हैं और हर सुबह आप फिर से एक नए जीवन के साथ उठते हैं। आप सोचिए कैसे, आप एक नदी में 2 बार कूद सकते हैं क्या? मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं आप बोले मैं 10 बार कूद सकता हूँ, ये क्या बात हुई। पर दोस्तों, मन में विचार करें, क्या वाकई हम एक नदी में 2 बार कूद सकते हैं? क्योंकि जब हम दूसरी बार कूदेंगे तो नदी का पानी बह चुका होता है, तो वो पानी होता ही नहीं जिसमें हम पहली बार कूदे थे दोस्तों। लेकिन चूंकि नदी के आसपास का दृश्य वही होता है, स्थिति वही होती है, किनारे पर बने हुए घाट वही होते हैं, झाड़ और पेड़ वही होते हैं, तो हम समझते हैं कि नदी वही है जिसमें हम पहली बार कूदे थे। इसलिए उस मनुष्य के लिए जीवन में सफल होने की संभावनाएं अधिक होती है जो व्यवस्थित होकर के कार्य करता है, रात को सोने से पहले अपने आप को अरेंज करके गुड नाइट बोल करके सोता है और ये समझता है कि आज मैं मर रहा हूँ, सुबह एक नया मैं बन करके पैदा होने वाला है। दोस्तों, बस यही स्थिति से सोच करके सुबह सोकर उठने पर हमारे सामने होती है और हम समझते हैं कि हम वही हैं जो इस बिस्तर पर रात को सोए थे। दोस्तों, जब आप सब इस रहस्य को समझ जाएंगे कि प्रकृति ने रोज जो सोने का नियम बनाया है वो शरीर को सिर्फ आराम देने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये एहसास करने के लिए भी बनाया है कि एक दिन इसी तरह से हमें हमेशा नींद में सो जाना है। कई लोग गहरी नींद में सपना देखते हैं, कई लोग नहीं देखते हैं, किसी को अपने होने का ख्याल नहीं होता क्योंकि हम सभी कोई सुषुप्त अवस्था में होते हैं। हमारा रक्त संचार होता रहता है, सांस चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, ये सब हमारे जीवित होने के लक्षण होते हैं, पर ये लक्षण होते हुए भी हम नहीं होते। दोस्तों, बस हमारा एक एहसास होता है, एक अहंकार होता है कि हम हैं, और नींद और मृत्यु में बस इतनी सी फर्क होती है कि इंसान उसके बाद जाग जाता है।
दोस्तों, हर इंसान के लिए नींद पूरी पूरी लेना बहुत ज़रूरी होता है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी छोटी बातें जिनको करके आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, क्योंकि लेने से नींद बहुत अच्छे से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, याददाश्त बढ़ती है, आपका व्यवहार अच्छा रहता है, आप टेंशन फ्री रहते हैं, खासकर बच्चों के लिए शारीरिक विकास और बड़ों के लिए मानसिक विकास के लिए नींद वरदान होती है। सबसे पहले ये ध्यान कर ले, सोने से पहले आप जब भी खाना खाते हैं तो 3 से 4 घंटे के डिफरेंस पे आपको खाना खाना चाहिए। रात का खाना हल्का होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आप मीट मच्छी भी खाते हैं तो ठीक है, आपका भोजन है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें 3 से 4 घंटे पहले खा लें, ताकि आपको तुरंत खा के सोना नहीं चाहिए। कभी भी जूठे मुंह और हाथ पैर बगैर धोए नहीं सोना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ दोस्तों कि आपको नहाना चाहिए सोने के पहले। सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से, और अभी गर्मी का मौसम आ गया तो आप ठंडे ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। और दोस्तों, इससे सिर्फ आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं होती, बल्कि नहाने से आपके मन को राहत मिलती है, आपके तन के साथ साथ आपका शरीर भी जुड़ा हुआ है। क्या होता है आप सोच करके देखें, जब भी हमारे शरीर में हम क्या कहते हैं 70% वाटर है, तो जब पानी पानी के साथ मिलता है तो दोनों में एक केमिस्ट्री होती है, वो हमारे शरीर को ठीक करती है, हमारे शरीर को रेनोवेट करती है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो नहाते वक्त एक दिया जला ले, कोई भी तेल का दिया जो आपके पास है, ऑलिव ऑयल है, आप बाथरूम में जो भी ऑयल यूज करते हैं, कोई सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, या और भी कोई लैवेंडर ऑयल वगैरह है। आप चाहते हैं अरोमा थेरेपी, आपको खुशबू पसंद है, तो आप चमेली के तेल वगैरह के दिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तेल के साथ आप कोई भी दिया जला लें, कॉटन की बत्ती, जो रुई की बाती होती, वो जलाएं, और आपके देखेंगे जो नहाने के बाद आनंद आता है, जो आपके तन मन में स्फूर्ति आती है, वो आपको बिल्कुल मज़ेदार नींद देने वाली है, आपको राहत देने का काम करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहें तो पानी में भी थोड़े से नमक, थोड़ी सी हल्दी, में कई बार बताती हूँ, कई सारी चीज़ें ग्रह के अकॉर्डिंग आप वो भी मिला करके नहा सकते हैं। स्पेशली नमक से नहाने से जहाँ एक ओर राहत मिलती है, वहीं उसमें जो मौजूद तत्व होते हैं उसके चलते किसी भी प्रकार की बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो वो दूर हो जाती है। नहाने के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए, कंघी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके बाल लंबे हों, छोटे हों, रात को सोने से पहले एक बार कंघी जरूर कर ले। इससे बालों का झड़ना तो कम होता ही है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होती है, साथ ही साथ ब्रेन के नर्व्स भी रिलैक्स्ड होते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब आप सोने जाएं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस बिस्तर पर अगले 5-6 घंटे या 7 घंटे हम सोने वाले हैं वो हमारी मन मर्जी का हो, तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। इसलिए हमेशा अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें, मुलायम रखें, फ्रेश रखें, दोस्तों साथ ही साथ आरामदायक रखें। चादर और तकिए का रंग आपके मन के लायक होना चाहिए, जो कलर्स आपको पसंद है। मैं प्रेफर करती हूँ लाइट कलर्स बिछाएं तो वो ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आपको ब्राइट कलर्स पसंद है, रेड, ऑरेंज, आप उस तरह के लगाएं, लेकिन वो आपके मन को, आपकी आँखों को सुकून देना चाहिए। जब आप बिस्तर पर जाएं तो दिशा का विशेष रूप से सोने के पहले ध्यान रखें। उत्तर दिशा में सिर रख कर के सोने के लिए अक्सर हमें मना किया जाता है। दोस्तों, क्या ये नियम पूरी दुनिया में सभी के ऊपर लागू होता है? कौन सी दिशा, अक्सर ये प्रश्न आता है कि कौन सी दिशा सबसे अच्छी होती है सिर रख के सोने के लिए। दोस्तों, जब हम भारत की बात करें तो उत्तर दिशा में मना किया जाता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दक्षिण दिशा में सिर रख करके मना किया जाता है सोने। हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, और जब आप उत्तर की ओर सिर करते हैं तो 5-6 घंटों तक उस तरह रहते हैं, तो चुंबकीय खिंचाव जो होता है वो हमारे दिमाग पर दबाव डालता है। दोस्तों, इससे नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, शरीर का ये बदलाव रक्त उसी स्तर पर पंप करता है, और सिर में ज़रूरत से ज़्यादा रक्त जा सकता है, जो कि आपको नुकसान करता है। अगर आप एक उम्र से आगे निकल चुके हैं, आपकी शरीर जो रक्त शिराएं हैं वो कमज़ोर हो चुकी है, तो दोस्तों इससे लकवा, स्ट्रोक, बहुत तरह की बीमारियाँ भी आपके जीवन में आ सकती है। और कुछ हो ना हो, अगर आप यंग हैं, स्ट्रांग हैं, तो कम से कम अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपके
जीवन में परेशानियां आप देखेंगे कई बार आने लगती है, क्योंकि मन हमेशा आपका असंतुलित रखने लगता है, बेचैन रहने लगता है। इसलिए हमेशा अपने सिर को सही दिशा में रख के सोना चाहिए। सबसे अच्छी दिशा पूर्व मानी जाती है। पूर्व उत्तर भी ठीक होता है, पश्चिम भी चलेगा। अगर कोई विकल्प नहीं है तो दक्षिण में रखें, लेकिन उत्तर में आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जब तक आप उत्तरी गोलार्ध में हैं यही सही है। उत्तर के अलावा किसी भी दिशा में सिर करके सोया जा सकता है। जो लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, साउथ पोल में रहते हैं, उन्हें दक्षिण की ओर सिर नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों आप ये ध्यान रखें, रात में दिशा आपने सही ले ली, अब आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए। रात को पानी आपकी आखिरी ड्रिंक होनी चाहिए। ये पूरी रात आपके नसों की सफाई करता है, और सुबह जब आप उठते हैं तो आपके जीवन में जो शौच होती है, बाथरूम अगर किसी को नहीं हो दोस्तों, तो उसके बाद उसकी जो कंडीशन होती है वो आप सभी जानते हैं कि जिस दिन अगर साफ ना हो, शौच खुलकर ना हो, तो मनुष्य को एसिडिटी, बहुत तरह की कॉन्स्टिपेशन आदि तरह की समस्या हो जाती है, जो कि अपने आप में एक तनाव देने वाली चीज होती है, और हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता, रक्त संचार हमारा गड़बड़ा जाता है। इसलिए रात को हमेशा सोते समय एक गिलास पानी पीने वाले लोगों में रात को हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों पानी पीने से हमारे दिन भर की थकान दूर होती है, इसलिए रात को सोने से पहले एक गिलास पानी ले लें और उसे बैठ करके घूंट घूंट करके पिए। इससे हमारा दिमाग भी शांत होता है, हमारी टेंशन दूर होती है, और दोस्तों आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में आपको नींद की समस्या कभी नहीं आती है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारी जो भी गैजेट्स है, अक्सर मैं कहती हूँ आप भी सुनते होंगे, सब लोग बकवास आपको लगती होगी शायद करते हैं कि अपने मोबाइल साइड रख दें, अपने लैपटॉप साइड रख ले, पर आपको तो आदत है, आप पीजी पे अकेले रहते हैं तो आप सब चीज़ें अपने साथ लेके सोते हैं, और रात भर वाइब्रेट होता है, बार बार टिंग टिंग होती है, तो आप बार बार नींद से उठते हैं। दोस्तों ये अभी आपको मौज दे रही है, पर आपको हमेशा अपने मोबाइल फोन्स अपने शरीर से दूर रख के सोने चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग क्या कहते हैं, अपने जूते चप्पल तक अपने पास लेके सोते हैं। सब चीज़ों से प्यार होता है लोगों को, गहने हो, पर्स हो, घड़ियाँ हो, सभी कोई अपने रिश्ते हो, अपनी प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ चिपेक के सोते हैं दोस्तों अपने पास। ऐसा ना करें, सब चीज़ों को साइड करके रख दें। सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, सिर्फ सामान नहीं, आपके वो अपने उलट पुलट जो थॉट्स हैं, अपने रिश्ते हैं, उन सभी को एक बार साइड कर देना है, क्योंकि रात में क्या होने वाला है, आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने वाले हैं, आप अपने मूल रूप में जाने वाले हैं, आप मरने वाले हैं, और उस समय हम क्या कहते हैं, मनुष्य जब मरता है तो अकेले मरता है। इसलिए ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें, इन सभी को साइड करके एक बार अपने आप में हो जाए, दिन भर की टेंशन आप खुद देखेंगे कि अपने आप दूर हो जाती है। सोने से पहले आपको बिस्तर पर ऐसी बातें सोचने चाहिए जो आप जीवन में चाहते हैं। कोई भी नेगेटिव बात का ख्याल ना करें, क्योंकि सोने के पहले के 10 मिनट आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट मिनट होते हैं। आपका अवचेतन मन उस समय जागृत होने लगता है, और कम से कम आप इस दौरान जो भी सोचते हैं माना जाता है वो सच में हो जाता है। इसलिए सोने के पहले के जो 10 मिनट हैं वो आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोच करके सोनी चाहिए। जब भी सोएं, क्या कहा जाता है, सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जिमना सोए रोगी। शरीर विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से, यानी उल्टा होके सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, और औंधा सोने से आँखों को नुकसान पहुंचता है। यानी कि आप अगर सीधे सोते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तो आपकी आँखें खराब होती है, और अगर उल्टा होके सोते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी खराब होती है। अधोमुख होकर के सोते हैं आप, दूसरे की शैया पर सोते हैं, टूटे हुए पलंग पर सोते हैं, गंदे घर में सोते हैं, तो ये सभी आपके जीवन को कम करते हैं। इसलिए हमेशा इंसान को ट्राई करना चाहिए बाई करवट लेकर के सोना चाहिए। बाई करवट सोने से हमारे पैनक्रियाज, लिवर, हमारी जो भी चीज़ें हैं, हमारे बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वो सब लेफ्ट साइड में होते हैं, और उनको आराम मिलता है। दोस्तों जब हम नींद में होते हैं तो हमारे मन और इंद्रियां सभी अचेत अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए ये तो हो गई रात को सोने वाली बात। इन केस रात को सोते समय आप चमक करके उठते हैं, सपने देख करके, कोई बुरा सपना देख करके उठते हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको वापस से तुरंत बिना कुछ सोचे, सोचना भी नहीं है सपने के बारे में, बिना कुछ सोचे वापस से स्ट्रेट होकर के आपको 5 मिनट लेट जाना चाहिए, और बिना कुछ सोचे आप देखेंगे अपने आप आपको वापस नींद आ जाती है।
अब उठने के लिए सुबह हम क्या करते हैं, चौंक करके उठते हैं कैसे, जब अलार्म बजता है। कई लोग क्या करते हैं, नींद नहीं खुलती, मीठी सी अलार्म लगाते हैं, तो इसलिए दोबारा से कड़े कड़े अलार्म लगाते हैं जिससे इंसान चौंक करके उठ जाए। दोस्तों ये अलार्म आपकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अचानक झटके से उठकर भागने से ये इंद्रियाँ चिंतित हो जाती है, इन्हें अपनी सही पोजिशन में आने का समय नहीं मिलता, और कुछ लोगों में सभी नसों को जागृत होकर के दिल की सही गति को वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता कम होती है दिल को, और ब्लड वेसल्स भी कम ब्लड पहुंचा रहे होते हैं उस टाइम। इसलिए अगर आप अचानक से उठते हैं तो दिल को एकदम से ऑक्सीजन चाहिए होता है और शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने में कुछ टाइम लग जाता है। बस दोस्तों यही बात होती है जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी उठें आराम से उठें, हो सके तो बिना अलार्म के नेचुरली उठें, और जब आप उठें तो अपनी दाईं तरफ घूमें और फिर बिस्तर से बाहर आएं, क्योंकि नींद में उठते समय मेटाबॉलिक प्रक्रिया आपकी धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप अचानक से बिस्तर से उठते हैं तो दिल पर दबाव पड़ता है। सुबह बिस्तर से उठने के पहले अक्सर मैं बताती हूँ अपने हाथों के हथेलियों को रगड़ करके हाथों का दर्शन करें, फिर आँखों में लगाएं, इनको बताया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, कई लोग इसे भगवान से जोड़ते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है आदि। दोस्तों अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो हथेलियों को मसलने से हाथों में स्थित जो सारी नाड़ियाँ होती है वो सक्रिय हो जाती है और हमारा सिस्टम जल्दी से जल्दी सजग हो जाता है। पारंपरिक रूप से भी ये कह सकते कि सुबह उठने से पहले आपको हथेलियां रगड़नी चाहिए, अपनी आंखों पर रखना चाहिए, भगवान दिखते हैं। दोस्तों हाथों में नाड़ियों का एक भारी जाल होता है, और अगर आप सुबह सुबह उठ करके अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो सभी नाड़ियां आपकी सक्रिय हो जाती है, शरीर आपका तुरंत जाग जाता है। और सुबह जागने पर भी अगर आप सुस्त महसूस करते हैं दोस्तों तो ये करके देखिए, कल से आपकी बॉडी बिल्कुल फुर्तीली हो जाने वाली है। आपकी सारी इंद्रियों के एक दूसरे पहलू होते हैं, जो सारी नाड़ियाँ आपकी जुड़ी हुई होती है वो सभी सजग हो जाती है, और शरीर को हिलाने से पहले आपके शरीर और दिमाग दोनों मोटिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आपको सुस्त होकर के नहीं उठना चाहिए, बस इसका मकसद यही है। अब लास्ट काम जो आपको करना है दोस्तों सुबह उठ करके, वो है मुस्कुराना है। किसे देखकर? किसी को देखकर नहीं, मन ही मन मुस्कुराना है। आप समझेंगे मैम ये क्या कह रही है, जी हाँ दोस्तों, पर आपका सुबह उठना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोग, लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जो कल रात को सोए थे और आज सुबह वो उठे नहीं हैं, आप उठ गए हैं दोस्तों, ये बड़ी बात है। इसलिए मुस्कुराएं कि आप जिंदा हैं, इसलिए मुस्कुराएं कि आपके घर वाले जिंदा हैं, इसलिए मुस्कुराएं कि भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया जीवन बख्शा है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को उन्नति के पथ पर लेके जाने के लिए, इस ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, झूठी सच्ची बातों में कई लोग दूसरों की मीन मेक निकालने में, बुराइयां करने में, लड़ाई झगड़े में उलझ करके अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। ऐसा ना कीजिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, आगे बढ़िए, और इस तरह से अगर आप सोने की ट्राई करेंगे दोस्तों, कोई कारण नहीं है कि आपको नींद नहीं आएगी। आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स फैमिली, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी आपको लगता है सोते नहीं है, एक बार उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।